ये जो कासा द गोवा 4-स्टार प्रॉपर्टी है उसके बस बाजू में यहाँ पे है योधक एम्पायर। यहाँ पे शायद अच्छे कैशू नट्स मिलेंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 25% ऑफ दिया है, कुछ सेल है क्या? सेल करके ही देता है। सेल करके ही देता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कार्ड दिखाएंगे क्या? हम विजिटिंग कार्ड मैं नहीं है, कार्ड खत्म हो गया। अच्छा तो ठीक है। अच्छा ये एड्रेस है, कौन से कैशूज है ये? नॉर्मल कौन सा? अनपॉलिश्ड है वो। कितने का है वो पैकेट? 250 का। 500 ग्राम्स। अच्छा 500 ग्राम्स में। और ये मसाला वाला है क्या? फ्राई भी है, फ्राई भी है। ओके। और ये स्वीट्स 205। ये कितना? 250 रुपीज़ का। चिक्की है, ड्राई फ्रूट चिक्की, ये सब चिक्की है। अच्छा और ये बॉक्स, ये कितने में आएगा? 300 का। चॉकलेट्स है ना ये, मतलब कैशू है उसके अंदर या फ्रूट चॉकलेट? ये स्ट्रॉबेरी कोटेड और ये चॉकलेट है शायद। ये कितने में आएगा? 200 का बॉक्स। अच्छा 200 में। और ये सारे चॉकलेट, इसमें कोई काजू कोटेड है या सारे चॉकलेट्स है? सिर्फ यही है काजू कोटेड। ऐसा फ्लेवर में आएगा? ओके, कोकोनट फ्लेवर में भी है क्या? ओके ठीक है। आपका नाम? सुरेश रावत। सुरेश रावत, ओके। और यहाँ पे ये कुछ मिठाई है, बर्फी है ये शायद, कोकोनट बर्फी। ये कितने की है? 200 ग्राम। 250 ग्राम का है। और ये स्ट्रॉबेरी क्रश। ओके ऑल राइट, थैंक यू। ये सेंट एलेक्स चर्च है क्या? कलागुड चर्च। ओके, पीछे गया आप जहाँ पे खड़े थे वो सालीगांव। ओके, उधर भी एक चर्च है। सालीगांव में फेमस कौन सा चर्च है? वही माय दे दियोस। कौन सा? माय दे दियोस। माय दे दियोस। ऑल डे चालू रहता है क्या? आप गोवा से लोकल हुआ? कैंडोली। वापस खाली हो जाएगा, आज संडे है ना। हाँ। आज कोई आज रात को निकलेगा, कल सुबह बोला तो वापस, फिर नेक्स्ट वीकेंड।
फ्राइडे सैटरडे संडे रश है। तो अभी सिर्फ अगस्त में फ्राइडे सैटरडे संडे रहता है और बाकी सितंबर से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे सीजन का टाइम तो नवंबर से होता है। अक्टूबर 15-20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नवंबर में आपको देखेगा बहुत रश। हाँ, फॉरनर अक्टूबर में आएगा। बीच एक्टिविटीज वगैरह तो स्टार्ट हो गए हैं तो नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पूरा नहीं हुआ है। ओके, थोड़े बहुत स्टार्ट हो गए हैं। मानसून एक्टिविटीज चालू है। अच्छा, रेसलिंग वगैरह बंद है सारा। अच्छा, सीर ऑफ है ना अभी। हां, ये ओला उबर आएगा वो क्या है, ये एरिया में आपको सर्विस मिलेगी। अच्छा, नहीं अभी तो ओला उबर आने के लिए तो पता नहीं कभी आएगा करके। नहीं, वो लोग अगर आएगा तो यही एरिया में आपको सर्विस मिलेगा जहाँ पे टूरिस्ट रहेगा। अच्छा, अगर पिछले में आप ओला उबर को बोलो के लिए नहीं आएगा। और टूरिस्ट भी ये लोकेशन में ज्यादा आते हैं ना, बागा और कलकत्ता। वहाँ रुके थे वहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट। हाँ, कोई टैक्सी खाली आता है तो मिलेगा। वो सर्कल से जहाँ से हमने टैक्सी अभी पकड़ा है, वो क्या, वो कौन, क्या नाम है सर्कल का? सालेगांव चर्च के पास बोलते हैं। चर्च तो आगे हो गया ना उससे, बहुत नहीं, 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 उधर ही आपके सामने चर्च था, देखा नहीं? हाँ हाँ, लेकिन वो फिर भी दूरी था वो। अच्छा, ये मेन जंक्शन है, ऐसे पूरा उस बीच तक खत्म होता है बीच तक। ये सीधा ये रोड डेड एंड है। अच्छा, कलंगूट बीच मेन बीच ऑफ गोवा, क्वीन बीच ऑफ गोवा। ओके, यहाँ पे बहुत रश है। ये और बागा दो बीच बहुत फेमस। बड़ी ये फुटबॉल ग्राउंड था हमारा, ये पार्किंग बना ये वाला। यहाँ पे ऐसा डेंजर है क्या? बहुत केसेस होता है। के कैसे टाइप के, मतलब करने वाले सब बाहर से, वो वाला नहीं करेगा। अच्छा, दिन दाढ़ी चेन स्नैचिंग होता है, रात की बात अलग है। अच्छा, ये फर्स्ट से हम हुआ, ये बीच लास्ट, यहाँ पे लास्ट, इससे आगे गाड़ी नहीं जाता, वहाँ से आपको अंदर वॉक करना है। आपने क्या बोला, फर्स्ट सीएम ऑफ गोवा? हाँ, ये दयानंद मंगलकर स्टैचू है ना। हाँ हाँ, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। अच्छा, ये पार्सल नहीं का तो इसको ना। तो ये हम कलंगुट पहुंच चुके हैं और ये है कलंगुट रेजिडेंसी। ये मेन सर्कल है, यहाँ से आगे का रास्ता जो देख रहे हो आप, ये बीच की तरफ जाता है। तरफ सागर प्योर वेज रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारे खाने पीने के लिए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ काजू की शॉप्स काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे एक रत्ना सागर फैमिली रेस्टोरेंट करके है। टैटू के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको, आपको कुछ पैकेज बुक कराना हो तो वो भी आप यहाँ से करा सकते हो। यहाँ पे है कलंगुट का बीच क्लब। लेफ्ट साइड यहाँ पे आप देख सकते हो
सुजा लोगो, और हम अभी जा रहे हैं सुजा लोगो में। यहाँ पे और एक ऑप्शन है टिप्सी, काफी सारे लोग दिख रहे हैं इस समय भी। इस तरफ आप देख सकते हो वॉशरूम के लिए लेफ्ट साइड में, और ये है मेन एंट्रेंस कलंगुट बीच का। ठीक है, नहीं आपको प्रॉब्लम है आप बोल रहे हो, राइट? आप मेरे को देखो, नहीं आप ऐसे बोल रहे हो कि आप दस, आप जो मैंने आपको कॉइन दिया भैया आप नहीं ले रहे हो, राइट? प्रॉब्लम है भाई, ले लेगा, लेकिन इधर जितना शॉप है आप किसी को ऊपर जाके देखो कोई लेता नहीं। तेरे को लगता है मेरा सब क्लाइंट इतना चिंदी है क्या कि चिल्लर में हाथ डालेगा? सब लोग लेता है, मेरे पास इतना सारा रखा है। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि कोई लेता नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं लेता। ठीक है, जाके देखो। ठीक है, आपका नाम क्या है भैया? पता तो होना चाहिए ना कि नहीं मालूम कैसा पड़ेगा? जाके देखो अभी, आप इतना अभी आप इतना बिंदास से बोल रहे हो तो अभी पता तो अभी पीछे क्यों हट रहे हो? एनीवेज थैंक यू।